भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी अचानक से सपा विधायक इरफान सोलंकी के बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने स्थानीय पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस सपा विधायक और उनके परिजनों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस ने इस मामले में हड़बड़ी में कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में बिना जांच के विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रात 12 बजे विधायक के घर पर छापेमारी नहीं होनी चाहिए थी। पुलिस विधायक को दिन में बुलाकर पूछताछ कर सकती है। उन्होंने कहा कि इरफान का परिवार डरा हुआ है। वहीं सांसद सत्यदेव पचौरी ने कहा कि इरफान सोलंकी अपराधी नहीं है। कानपुर पुलिस से मामले में गड़बड़ी हुई है, जल्दबाजी में बिना जांच के एफआईआर की गई। इसके साथ ही इरफान के परिजनों ने सांसद से मुलाकात कर मदद की गुहार लगाई है। वहीं परिजनों की गुहार पर सांसद ने प्रमुख सचिव गृह यूपी को पत्र लिखा है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद से साफ और निष्पक्ष जांच की मांग की है। कानपुर से शशांक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बताने का विषय नहीं, मैंने पत्र लिखा है और उन्होंने जो हमारे न्याय उच्च स्तरीय जांच की मांग की है उसके लिए मैंने अग्रसारित कर दिया कि इनके लेटर पर आवश्यक कार्रवाई करें। बस